नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी गोवा की यात्रा स्थगित। बेलगावी से आने वाला ताजा लाल मांस अब आना बंद हो जाने के कारण राज्य में बीफ की दुकानें बंद। बुकुवेट फेडरेशन के महासचिव रुपेश विलीप ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप का आवेदन दायर किया। हिमाचल के राज्यपाल दत्तात्रेय हादसे में बाल बाल बचे। भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादन पार्क गुजरात में बनेगा। मध्य प्रदेश में किसानों ने नए कृषि कानूनों के तहत हुई फसल खरीद का भुगतान मांगा। चेन्नई एयर कस्टम ने 23.6 लाख रुपए का सोना जब्त किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 33 करोड़ छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा। रिपब्लिक टीवी के सीईओ गिरफ्तार, 15 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में। एनसीबी ने मुंबई में कश्मीरी ड्रग की खेप जब्त की, 3 लोग गिरफ्तार। एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में 3 कंपनियों के शामिल होने की अटकलें। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट हुए शहीद। गोवा कदम्बा के इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्च अब होगा जनवरी 2021 में। कोरोना महामारी की वजह से कांडुली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक विंग का काम विलंबित। कल तीसे को ठंडी जेटी पर एक मालवाहक जहाज डूबा।